दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेक परचेस्ड बिल ऑन जीएसटी पोर्टल। दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया नियम निकाला है कि हम अपना परचेज बिल का इनपुट जीएसटी रिटर्न में तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारी सप्लायर ने उस बिल को अपने जीएसटी रिटर्न GSTR 1 में सेल्स के रूप में सबमिट न किया हो। मतलब अगर हमारी परचेज का इनपुट पोर्टल पर शो नहीं होगा तो हम उस इनपुट का अपनी टैक्स लाइबिलिटीज से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और हमें टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ जाएगा, जो करना ठीक भी नहीं रहेगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें अपना सप्लायर का जीएसटी स्टेटस चेक कर लेना चाहिए और हमें मंथली रिटर्न भरने से पहले जो हमने परचेज किया हुआ है उसकी भी जीएसटी पोर्टल में शो हो रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे परचेज बिल को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि वो बिल जो आपने परचेज किया है वो आपका पोर्टल में शो हो रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने पहले वेब ब्राउज़र खोल लिया, गूगल क्रोम। अब जो है एड्रेस बार में टाइप करते हैं GST.gov.in, एंटर करते हैं तो GST का पोर्टल जो है ऑफिशियल वेबसाइट है खुल जाएगा। अब यहाँ राइट साइड में देखिए लॉगिन का बटन है, इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बाद जैसे पासवर्ड डालेंगे तो एक कैप्चा शो होगा, उसको करके आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हमने अपना GST पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले जो है हमें डैशबोर्ड में क्लिक करना है, उसके बाद फाइल रिटर्न्स में क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ दिखेगा, देखिए आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, क्वार्टर पीरियड, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। क्वार्टर वन है यहाँ पे, अभी हमें अप्रैल के लिए देखना है तो एक ही क्वार्टर हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी क्वार्टर है। उसके बाद यहाँ मंथ आ जाएगा, मंथ भी सिलेक्ट कर लेना। मैं अपनी अप्रैल मंथ के लिए देखना चाहता हूँ, जो हमारा परचेज बिल है, हमारा जो पार्टियाँ है जिनसे हम परचेज करते हैं वो अपना जो है कि बिल को सबमिट किया है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे अप्रैल। अब सर्च करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे चार चीज़ आ रहा है, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A, GSTR 2B। तो पहले GSTR 1 और GSTR 3B कैसे फाइल किया जाता है ये हमने पहले वीडियो में दिखा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, आप विजिट कर सकते हैं और उस लिंक में क्लिक करके आप देख लीजिएगा खुद ही घर बैठे कैसे GSTR 1 और GSTR 3B फाइल किया जाता है, बिना किसी अकाउंटेंट का सहायता लेके खुद कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं बिल्कुल खुल के सारे कुछ दिखाया है और प्रैक्टिकली दिखाया है, सब कुछ बताया है। तो दोस्तों अभी हम जो है कि जो करने आए थे यहाँ पे जो है कि बिल चेक करना है हमें परचेज बिल को, तो इसके लिए देखिए GSTR 2A आपको यहाँ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा GSTR 2A, इसमें जो है कि व्यू है, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे पार्ट वन में दिखेगा, सबसे पहले ऊपर भी आता है B2B इन्वॉइसेस, ठीक है, आपको जो है कि B2B इन्वॉइसेस में क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने जिन पार्टियों से परचेज किया हुआ है तो परचेज जो बिले हमें मिला है उन पार्टियों का जो है GST नंबर, सप्लायर का नाम आ जाएगा और उन्होंने किस तारीख को कौन कौन सी डेट को उन्होंने फाइल करा है, सारे चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उन्होंने 3B भी फाइल करा हुआ, Y का मतलब होता है यस यस यस, ये है ना जो फाइल करा हुआ है इन्होंने। तो आपको अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, सपोज मान लीजिए किसी पार्टी का आपका पास 4 बिले है, 5 बिल है या तो 10 बिल है, आपको लग रहा है कि ये 10 बिल जमा करा है या सिर्फ एक आध बिल जमा कर दिया है, तो जो है जो पार्टी का यहाँ पे जो GSTIN नंबर है इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सपोज हम किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए इस GST के नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इन्होंने, हमने इनसे 2 बिल लिया है, बिल का नंबर भी आ गया है, देखिए इन्वॉइस नंबर 706 726, ठीक है, किस डेट का इन्वॉइस है ये भी दे दिया उन्होंने और कितना अमाउंट का टोटल अमाउंट कितना था, उसके लिए उन्होंने कितना GST मतलब जो है कि
क्लेम करा है, जीएसटी कितना लिया है उन्होंने, है ना, और किस तरह का जीएसटी है, आईजीएसटी है या सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये सारे डिटेल्स जो है कि आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बैक करके वापस जा सकते हैं पीछे वाला पेज में, और आप दूसरे जो है कि किसी भी पार्टी का जो है कि जीएसटी नंबर के ऊपर क्लिक करके उनका बिल का सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा है कि आपकी सप्लायर ने उनकी बिल को जीएसटी पोर्टल में अपलोड किया है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सप्लायर ने अभी तक जो है कि उन्होंने अपलोड नहीं करा है, बिलों को सबमिट नहीं करा है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको जो है कि GSTR1 फाइल करने के लिए, जिससे कि आपको GST इनपुट का रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है, कोई कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।